टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पर यह बड़ी खबर है। सभापति ने डेरेक को सदन से जाने को कहा है, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। टीएमसी सांसद है डेरेक ओब्रायन, जिन पर यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। सभापति की तरफ से इन्हें संसद से बाहर जाने के लिए सदन से कहा गया। सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ से डेरेक ओब्रायन को सदन से बाहर जाने के लिए कहा गया। क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनिए एक बार। नेम श्री डेरेक ओब्रायन, डेरेक ओब्रायन इज हियर बाय नेम टू लीव द हाउस इमीडिएट। श्री डेरेक ओब्रायन, डेरेक ओब्रायन इज हियर बाय नेम टू लीव द हाउस इमीडिएट। श्री डेरेक ओब्रायन, और इस वक्त आपको बता दें संसद के भीतर जो कुछ भी कल हुआ है लोकसभा में, जिस तरीके से सुरक्षा में सेंध से जुड़ा यह पूरा मामला है, इसको लेकर के जांच जारी है। तीन संवाददाता ग्राउंड से लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर मौजूद है। रवि त्रिपाठी संसद भवन से हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही रविन्द्र कुमार भी संसद भवन से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जितेंद्र आपका रुख कर रही हूं मैं, आज इन आरोपियों की पेशी होनी है, कितने बजे क्या कुछ कार्यवाही आगे हो पाई है और शुरुआती जांच में क्या जानकारी हाथ लगी है? देखिए प्रिया, चार लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसमें जो दो संसद के अंदर घुसे थे और जो दो लोग बाहर थे, और इसके अलावा एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और एक व्यक्ति ललित झा, उसको उसकी तलाश की जा रही है, वो फरार है। ललित झा संसद के बाहर मौके पर मौजूद था और जब संसद के बाहर नीलम और अमोल शिंदे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसका वीडियो बना करके उसने पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, और इसके साथ ही बाकी जगह जो अपने NGO के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको फॉरवर्ड करके कहा था कि इसको मीडिया में लीक कर दिया जाए। तो एक से सोची समझी साजिश थी और यही वजह है कि पार्लियामेंट की शिकायत पर चारों के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें पटियाला हाउस की अदालत में दोपहर करीब 2 बजे के बाद उन्हें पेश किया जाएगा। इसमें जो अभी तक की साजिश की जो बात निकल करके आ रही है उसमें यह पता लगा है कि करीब 1.5 साल से चारों एक दूसरे को जानते थे। अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे या नहीं थे इसकी जाँच की जा रही है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं ये सरकार से नाराज थे। अब इनकी नाराजगी को किन्होंने एक्सप्लॉइट किया, यानी कि किसने इनकी नाराजगी को भुनाया और इन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि संसद में जाकर के उन्हें इस तरह से प्रोटेस्ट करना है या इस तरह से जो स्मोक क्रैकर है वो फेंकना है और कूदना है, इस बात की जांच की जा रही है और ये तभी हो पाएगा जब इन चारों को रिमांड पर लेकर के जितेंद्र आप बने रहे हमारे साथ, रवि हमारे साथ भी जुड़े हुए संसद भवन परिसर से हैं इस वक्त। रवि, कुछ हमने देखा है कि निर्देश भी जारी किए गए हैं एंट्री को लेकर के, और एक और सवाल साथी में आपसे करना चाहूंगी, ये जो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी इस वक्त एड ऑन किया गया वो क्या टेम्पररी है या फिर परमानेंट है? नहीं देखिए, चूंकि कल इतनी बड़ी घटना हुई है तो अब एहतियात के तौर पे तमाम कार्रवाई शुरू हो गई है, तमाम तरह के एक्शन लिए जाने जा लग रहे हैं। बाहर सुरक्षा के आपको बताऊंगा, मैं कहूंगा कैमरामैन तस्वीर दिखाएं। आमतौर पर यहाँ गाड़ियां खड़ी होती थी, लोग कोई भी आके यहाँ गाड़ी खड़ा करता था, चला जाता था पार्लियामेंट के बाहर, लेकिन अब उन सारी गाड़ियों को हटा दिया गया है, कोई गाड़ी आसपास नहीं लगाया जा सकता है। जो भी आ रहा है PTI के आसपास से जो भी एंट्री करता है उसका पास चेक किया जाता है, अगर इधर अंदर है उसको अलाउड है, पास है तभी उसको आने दिया जा रहा है। तो तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था बाहर रखी गई है, अंदर भी आपने जैसे कहा कि तमाम जो 6 गेट है, देखिए नए पार्लियामेंट में 6 द्वार है और 6 द्वार पहले चिन्हित किए गए थे कि मकर द्वार से ही, जो ब्रह्म प्रकाश दिखा रहे थे, मकर द्वार से ही सिर्फ सांसदों मंत्रियों की एंट्री होगी। गज द्वार प्रधानमंत्री का द्वार है जहां से प्रधानमंत्री एंट्री करते हैं, शार्दुल द्वार से कुछ मीडिया जो राज्यसभा कवर करते हैं उनकी एंट्री होगी, फिर हुआ था कि गरुड़ द्वार से लोकसभा वालों की एंट्री होगी। तो तमाम द्वार की पहले से चीजें तय थी, इसी वजह से जो सिक्योरिटी लैप्स हुई है, 8 सिक्योरिटी के लोग जो है उन पर कार्रवाई
कार्रवाई हुई है, 8 लोगों को फिलहाल सस्पेंड किया गया है, तो कार्रवाई भी हो रही है, तमाम चीजें हो रही है, लेकिन कहा जाता है ना कि जब सांप निकल गया आप लाठी पीटने से क्या फायदा। बिल्कुल वही बात है, और कल रविंद्र वहां मौजूद थे, बता भी रहे थे कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी लगातार और कड़ी की जा रही है, बढ़ा दी गई है, फोर्सेस की संख्या वहां पर ज्यादा है। अब रविंद्र आपसे जानना चाहेंगे, ये विजिटर्स एंट्री को लेकर के क्या कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ वक्त के लिए विजिटर्स एंट्री रोक दी गई है या फिर नॉर्मल जिस तरीके से आप विजिटर्स जा सकते थे और पार्लियामेंट में जो कार्यवाही चल रही होती थी उसका हिस्सा हो सकते थे, वो फिर नॉर्मल है? नहीं, पूरी तरह से बंद है। आप देखिए कि चाहे विस्टर हो या पूर्व जो सांसद है, इन दोनों की एंट्री बंद कर दी गई है। इसके अलावा पीए पीएस इन सब की एंट्री बंद कर दी गई, इन सब का पास कैंसिल कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुरक्षा में चूक हुई है, उसकी जांच चल रही है, और कहा जा रहा है कि ये सब 1-1.5 साल से एक साथ जुड़े थे। लेकिन सोचने वाली बात है, एक कन्नड़ है, एक मराठी बोलने वाले हैं, एक आपका जो जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये सामंजस्य नहीं बन रहा। कहीं ना कहीं इन पाँचों के कोई ऊपर में है और वो कनेक्शन की जांच होगी। और इससे बड़ी बात जो हो रही है, अब सियासत जिस तरह से हो रही है, अपोजिशन इस पर होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहा है, इस पर जवाब मांगा जा रहा है, और जिस तरह से सरकार ने कहा कि ये और खुद लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी उनकी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और इसकी जितनी भी हो सकती कड़ाई की जाएगी। इस तरीके की घटना होती है, अपोजिशन की तरफ से इस्तीफे की मांग की जा रही है, बजाय इसके कि कार्रवाई होनी चाहिए और ये जवाबदेही सरकार की तय हो कि आखिरकार अब तक कार्रवाई क्या हुई। Z News.